जलंधर में सित्ते सामाजिक संस्था पंजाब कला सित्ते अकादमी रजिस्टर के 23वें वार्षिक सेमिनार का विमोचन प्रेस क्लब में विधायक रजिंदर बेरी ने किया। पंकज अकादमी के निदेशक डॉक्टर जगदीप सिंह ने कहा कि पंकज अकादमी ने पुस्तकों के विमोचन की परंपरा स्थापित करके पंजाब के सित्ते को नया आयाम दिया है। इस मौके पर सुरेश सेठ ने कहा कि पंकज अकादमी ने सेमिनार का प्रकाशन और विमोचन करके फिर से एक नई पहल की है। इस मौके पर दीपक जैन ने कहा कि कोरोना काल की पीड़ा सहर करने के बाद पंकज अकादमी ने इस समारोह में शीतल बयार पैदा की है। इस अवसर पर संभावनाएं जागृति कवित्री अमिता सागर के संगे प्रकाशित काव्य संग्रह बहुत बुरे हो तुम का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर सिमर सरदोच ने पुस्तक पर लिखी समीक्षा भी पढ़ी। इस मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार डॉक्टर अनिल पांडे डॉक्टर अजय शर्मा डॉक्टर बीना बिज प्रोफेसर हरदयाल सागर डॉक्टर कमलेश आहूजा प्रोफेसर जीवन आहूजा श्री रवि बिज डॉक्टर कीर्ति केसर डॉक्टर नीलम जुड़का श्री बलविंदर अत्री प्रोफेसर मोहन सप्रा डॉक्टर तरसेम गुजराल और अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये पुस्तक बता देना खासकर बहुत बुरे हो तुम ये टाइटल के लिए। असल में मैंने लेखन की शुरुआत बहुत पहले की थी बचपन में, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई कैसे कहूँ 3 साल पहले। तो 3 साल के बाद ये मेरी दूसरी पुस्तक है बहुत बुरे हो तुम, जिसका नाम लोगों को बहुत चौंकाता है, लेकिन ये सीधा सा फंडा है। घर में हम देखते हैं जब बच्चा बहुत प्यारा लगता है तो माँ कहती है चल गंदा। तो ऐसे ही पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जब प्रेम की प्रकाष्ठा को पहुंचते हैं तो मेरे लिए वो बहुत बुरे हो तुम की स्थिति है। ये उसी तरह की बात है जैसे बच्चे को माँ गंदा कहती है, उसी तरह प्रेमी को बहुत अच्छे हो तुम मेरा बेबी मेरा सोना वो कहने की जगह चलो बहुत बुरे हो तुम, ये है ये इसका है। और इसमें मैंने ज़्यादातर वो कविताएँ जमा की हैं जिसमें प्रकृति के अलग अलग रूपों को मानवीकरण करके प्रस्तुत किया गया है। अपने निजी ज़िंदगी की कुछ खट्टी मीठी चीज़ों को भी मैंने इस तरह से पेश किया है जैसे कुदरत खुद अवतार लेकर ज़मीन पे आई हो, उदासी हो खुशी हो पेड़ पौधे हो हवा हो, तो इसमें आपको मानवीकरण के बहुत से रंग देखने को मिलेंगे और मुझे उम्मीद है ये किताब आपको बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया। पंजाब कला साहित्य अकादमी मेरी मुराद पंकज अकादमी से है। उत्तर भारत ही नहीं पूरे देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो विगत 24 वर्षों से निरंतर प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड वितरण समारोहों का आयोजन करती आ रही है, और ये भी एक ऐसी संस्था है जो विगत 23 वर्षों से निरंतर एक पुस्तक सेमिनार का प्रकाशन करती आ रही है। इसमें पूरे देश के साहित्यकारों को स्थान दिया जाता है, उनकी कविताओं उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है, और इसके बीच में होता है पंकज अकादमी के पिछले वर्षों का लेखा जोखा। पंकज अकादमी की एक और परंपरा हमने स्थापित की है पुस्तकों का विमोचन। आज पंकज अकादमी के 23वें सेमिनार चेनाब का तो विमोचन किया ही जा रहा है। देश की हिंदी साहित्य की एक उभरती हुई कवित्री अमिता सागर जी के सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह बहुत बुरे हो तुम, ये जिसका शीर्षक है, उसका भी विमोचन किया गया है, विमोचन किया जा रहा है, और विमोचन किया है पंजाब की जिंद जान पंजाब की रूह रवां हमारे देश हमारी राजनीति हमारे जलंधर के माननीय विधायक श्री राजेंद्र बेरी जी ने, उनके साथ प्रिंसिपल सुरेश सेठ जी हैं, डॉक्टर जगदीप सिंह जी पंकज अकादमी के निदेशक, डॉक्टर रमेश कंपोज पंकज अकादमी के निदेशक हैं, जनाब दीपक जंदरी जी प्रिंसिपल सुरेश सेठ साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं आज के आयोजन में, उन्होंने अपना भरपूर सहयोग योगदान दिया है। और अमिता सागर जी की पुस्तक मैं अभी थोड़ी देर में इस पर एक पत्र प्रपत्र लिखा हुआ भी पढ़ूंगा, तो मैं स्वागत करता हूं अमिता सागर जी का हिंदी साहित्य में पंकज अकादमी के साथ जुड़ने में। और पंकज अकादमी इसी तरह संस्थाएं समागम करती रहे समारोह करती रहे, इसके लिए माननीय राजेंद्र बेरी जी जैसे लोगों का और पंकज अकादमी के भामाशाह डॉक्टर जगदीप सिंह डॉक्टर रमेश कंबोज
ऐसे लोगों का योगदान सहयोग पंकज अकादमी के साथ बना रहा है, बना रहे, ये मेरी कामना है। पंकज अकादमी का एक छोटा सा स्वयं सेवक सेवक हूँ मैं, और ये पंकज अकादमी इसी तरह से उच्च मुकाम हासिल करती रहे आप सबके सहयोग से। अज पंजाब कला साहित्य अकादमी वालों 24वां सालाना फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, और उस दे विच सिमर संदोज जी ने एक चिनाब नाते किताब का विमोचन किया, और मैडम अमिता सागर जी ने बहुत बुरे हो तुम ते ना दे किताब का विमोचन किया। और अज बड़ी खुशी की गल है कि एक साहित्यकार जो पंजाब नूं चंगी लीह ते लिजाण दी कोशिश करते ने, सानू चाहिदा भी, क्योंकि असी अपने साहित्य नूं अपने पुरातन काल नूं भुली जा रहे हैं। असी फोरन स्टाइल दे नाल चलना शुरू कर दिता है, तो जे असी पुरातन काल नूं अपने साहित्य नूं भुल जावांगे तो आने वाले बच्चे, आने वाला जिहड़ा साडा फ्यूचर है बड़ा डार्क होगा। तो अज दे इस फंक्शन दे उपर मैं खास तौर पर अपने वड्डे भाई सिमर संदोज जी नूं, मैडम अमिता जी नूं, बड़ियां वड्डियां शख्सियतां बैठियां, श्री दीपक जलंधर जी बैठे है, सेठ साहब बैठे, डॉक्टर साहब बैठे है, इहो जिहियां जिन्हां ने इतिहास लिखे है, जिन्हां ने संस्था ने इतिहास ही बनाया है, इहो जिहियां शख्सियतां जदों इकट्ठियां होंदियां ते उह विमोचन ही एक इहो जिहा उत्साह साडे नौजवानां दे विच भरदे आ कि सानूं उहनां दीआं लीहां ते चल के समाज की सेवा करनी चाहीदी है। थैंक यू। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।